अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, नमस्कार, सस्तियाकाल, वनकम। कैसे आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक हैं, ठीक हो और हमेशा ठीक रहें और दुआ करती हूँ खुदा से, अल्लाह से। एंड आई जस्ट विश गाइस कि आप लोग हमेशा चिल रहें, एंटरटेन रहें और मूवीज़ के रिएक्शंस देखते रहें और मैं आपको इसी तरह अपनी ऑनेस्ट रिएक्शन दूँ। सो गाइज, आज जिस सीन के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो सीन है टेम्पर मूवी का एडिट सीन है और हम सब की लॉयन, लाइक यू नो, मिस्टर यंग लॉयन, जिनको हम कह सकते हैं टाइगर जूनियर NTR में JR NTR, आई मीन इतना फोकस्ड हो गई थी। बट क्या जूनियर NTR का सीन है और देखते हैं सीन तो कैसा है, लेकिन मूवी बड़ी ब्लॉकबस्टर है। तो आप कमेंट सेक्शन पे ये भी बता सकते हैं किस किस ने मूवी देखी और कितनी बार देखी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे बताया कि जूनियर NTR की वाइफ के बारे में, लक्ष्मी, एंड मुझे पता चल गया। सो अब सीन की तरफ चलते हैं और ये उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। Oh, he's so young. Kajal Aggarwal. सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाए, उसमें डूबकर आप मर जाए। सुनामी आखिर आ ही नहीं मुड़ती। आज देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। फैसले के 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को फांसी होगी। कमीने, तुझे क्या लगता है हम पागल हैं? कोर्ट में तूने हमें पागल साबित कर दिया, फर्जी पागल तू है। ठीक 10 घंटे बाद सुबह के 5:30 बजे दीप्ति रेप केस के पांचों आरोपियों को फांसी दी जाएगी। जूनियर एनटीआर 5 अपराधियों की फांसी का इंतजार कर रहा है। हम आपको पल-पल की खबर देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बताओ आखिरी बार क्या खाना चाहोगे? क्या कहा? खाना खिलाएगा? अब यहाँ मरने वाले को खाना खिलाना है? चल जा, जाकर उससे पूछ क्या खाएगा। मुझसे पूछ। वेजिटेबल सूप, दाल राइस, आलू के पराठे। इसके अलावा एसआई दया ने पालक पनीर और गाजर का हलवा खाने की इच्छा जाहिर की। बाकी 4 आरोपियों ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब केवल 1 घंटा और 25 मिनट बाकी है। हेलो, मूर्ति जी बोल रहे हैं। वहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अभी टीवी पर ये न्यूज़ देखी। वो लोग भैया को फांसी क्यों दे रहे हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो सीडी खो चुकी है, इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। नो प्लीज, नो यार, इतना बड़ा नट कैसे हो गया? मेरे पास उस सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या कह रही है? हाँ, मेरे पास एक और कॉपी है। अभी हमें इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है। दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा। दया इस क्राइम में इन्वॉल्व god, that's so heartbreaking. जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए। उन्होंने जानबूझकर अपने सिर पर ये इल्जाम किया। No, please no. जज साहब, बाहर आइए जज साहब। सर, सर, दया, हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने ये गुनाह नहीं किया। टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना बताइए, सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी। यार इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी। सर, इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मार कर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो? सर, वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ 10 मिनट चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा? कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है। खोलिए। रुकिए सर, गॉड हार्ट ब्रेकिंग सीन। गाइस काम सर, जूनियर एनटीआर अपने भाइयों को अलविदा कह ले। सर, अब भी 6 मिनट बाकी हैं। अगर इस जेल में और ऐसे हैवान हो तो ले आइए उन्हें। दीप्ति का बलात्कार करने वाले चारों अपराधियों को 10 मिनट पहले विशाखापट्टनम की जेल में फांसी पर लटका दिया गया है और न्याय की खातिर अपना बलिदान देने वाले एसआई दया को रिहा कर दिया गया है। मैं नहीं जानता गांधी जी कैसे थे और उनका दिल आप जैसा ही होगा। हर पुलिस स्टेशन में आप जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। वो जैसे ऑफिसर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन देश को आप जैसे एक ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके मुझे समझ आया अब सीन थोड़ा सा। बेसिकली मैंने मूवी नहीं देखी गाइस, क्योंकि जिस सीन पे मैं रिएक्ट करना चाहती हूँ मैं वो सीन्स नहीं देखना चाहती, वो मूवी नहीं देखना चाहती। कुछ देखी हुई थी तो मैं बता देती थी, लेकिन ऑनेस्ट रिएक्शन तभी आता है जब आपको स्टोरी सीन देख के पता चले, ना कि आपने पहले से देखी तो आप क्या रिएक्शन दोगे। तो टेम्पर यही सीन था। अच्छा पहले मैंने जब सीन देखा मैंने कहा अच्छा जूनियर एनटीआर को फांसी, मतलब क्या हो रहा है, काजल अग्रवाल रो रही है, इट्स फाइन, वहाँ तक समझ आ गया। सीन थोड़ा बड़ा था लेकिन वो टेम्पर अब मुझे अब एंड में समझ आया कि बेसिकली जूनियर एनटीआर पुलिस वाला होता है और वो उन मुजरिमों को चाहता नहीं कि जिन्होंने रेप किया होता दो बहनों को, उनको इतना टॉर्चर बीच बीच में जो वो जब जूनियर एनटीआर मार होते हैं। खैर वो लड़की के पास सीडी होती है, सीडी से प्रूव हो जाता है कि इज इनोसेंट, लेकिन आफ्टर दिस जब वो चार लोगों को मार रहे होते हैं बीच में जो सीन्स आ रहे होते थे, आई स्वेयर अगर ये मैं मूवी देख रही होती ना तो मैं बंद कर देती, बट उस टाइम मैं ऑन रिएक्शन यही आपका ऑनेस्टली होता है और मुझसे नहीं देखा गया। 40 दिन तक वो कहता है कि इसने लड़कियों को किया रेप एंड देन यू नो कोड़े लड़कियों को लटका के। वो यार कौन जानवर ये करता है? हम मूवीज़ भी बनाते हैं या मूवीज़ देखते हैं, कौन कोई तो दुनिया में ऐसे लोग होते होंगे। तो गाइस जस्ट नेगेटिविटी को ख़त्म करें, डिप्रेशन को ख़त्म करें, एंजाइटी को, औरतों की इज्जत करें यार, औरतों की इज्जत करें, लड़कियों की इज्जत करें। दे आर वेरी सेंसिटिव, आप लोग उनकी इज्जत करें, उनको प्रोटेक्ट करें, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो। अगर आप कहीं भी क्राइम देखें, कहीं बुलिंग देखें, हेरासमेंट देखें, तो जस्ट यू नो स्टैंड विद देम पीपल लाइक विद वुमेन, सो उनका मुँह तोड़ जवाब दे। एनीवेज ये एक मैसेज था और ये इसको भाषण नहीं समझा करें, इसको अमल भी किया करें। मैं अमल करती हूँ। सो ये सीन था। आई होप आपको सीन अच्छा लगा। मैं तो शॉक हो गई, मैंने नहीं देखे ऐसे सीन यार। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं समटाइम बहुत इन्जॉय करती हूँ, समटाइम मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ। सो नेक्स्ट सीन पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी मूवीज़ के हम और भी सीन्स पर रिएक्ट करेंगे और दूसरी मूवीज़ पर भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care, bye bye, and I love you all.